तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं हूँ नोबिता नोबी। हमें पता है। वैसे पहले ना मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद था, जरा अलग सा नहीं लगता ये नाम। हाँ। सुना है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप ने मुझे ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे मैं जिंदगी भर फलता फूलता रहूं, इसलिए अब मुझे ये नाम बहुत पसंद है। ऐसे कह रहा है जैसे उस वक्त ये वहीं था। इसी तरह ही मेरे प्यारे माँ बाप ने, और हाँ मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं छोटा था तो जब भी मैं रोते हुए घर आता तो वो मुझे चुप कराती थी, और पता नहीं क्यों मेरी दादी माँ को हमेशा से ही मुझ पर बहुत यकीन था। जब मैं कमजोर पड़ता या टेस्ट में 0 लाता तो मेरी माँ मुझे हमेशा डांटती थी। मेरे डैड मुझे हमेशा सिखाते थे कि सपने देखना कितना अहम होता है। मैं अपने प्यारे परिवार के प्यार और दुलार से ही आज इतना बड़ा हुआ। और मिस्टर मीनामोटो, एक बार आपने कहा था ना, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है। अगर इस बात में सच्चाई है तो ये सब मैंने अपनी प्यारी फैमिली से ही सीखा है। हाँ, शायद मैं अपनी जिंदगी में वैसा नहीं बन पाया जैसा मेरे माँ बाप और दादी माँ चाहते थे मैं बनूं। मुझे यकीन है कि वो चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा आर्टिस्ट या फिर एक बढ़िया प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर जैसा कुछ बन सकूं। लेकिन तुम कुछ नहीं बने। ओए आज तो छोड़ दे। लेकिन एक बात का यकीन है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं बहुत ही प्यारी फैमिली में पला बड़ा हूं। भले ही मैं ज्यादा भरोसेमंद शख्स तो नहीं हूं, लेकिन इतना भरोसा है कि मैं मेरी शिजुका के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार और प्यारी फैमिली बनाऊंगा। मुझे लगता है मेरे मॉम डैड और मेरी दादी माँ ने मुझ पर जो उम्मीद लगाई है उस पर खरा उतर पाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। डैड और मॉम, मिस्टर और मिसेज मीनामोटो, अब हमारा कॉम्पिटिशन आप लोगों के साथ है। चलो शिजुका, एक ऐसी फैमिली बनाए जो इन दोनों की फैमिली जैसे ही प्यारी और शानदार हो। सब देख लिया मेरे प्यारे बच्चे। मुझे ऐसा लगा मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को यहाँ कहीं देखा है। क्या तुमने भी उन्हें देखा? लगता है हमारे नोबिता की शादी देखने के लिए माँ भी यहाँ पर आई थी। हाँ